आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा होने वाला है। बता दें कि आज काशीवासियों को पीएम 1200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी का दौरा है, अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा है। 1200 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी के लोगों को देंगे। काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इसके साथ ही चौक घाट लहरतारा फ्लाईओवर का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवस दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं और साल 2020 की पहले दौरे में 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने वाले महाकाल एक्सप्रेस और 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। तो 6 घंटे के काशी प्रवास में पीएम मोदी देश की सबसे ऊंची पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पड़ाव में स्मृति उपवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे पहले जंगमबाड़ी मठ में वीरशैव महाकुंभ में शामिल होंगे और पड़ाव में जनसभा के बाद हस्तकला संकुल में काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो एक दिन का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की गई, सुरक्षा व्यवस्था की गई और जानकारी के मुताबिक 10 बजे आपको बता दें कि वाराणसी एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो यहां सेना के हेलीकॉप्टर से पीएम बीएचयू में बने हेलीपैड पहुंचेंगे और फिर सड़क मार्ग से जंगमबाड़ी मठ में जाएंगे, जहां इस दौरान शहर में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है। तो 34 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जाएगा। वाराणसी को आज कई सौगातें यहां पर प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। 14 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। तो 430 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात वाराणसी को दी जाएगी। वहीं 74 बेड के साइकेट्रिक अस्पताल का भी प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। वहीं महाकाल एक्सप्रेस को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाई जाएगी जो 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ता है। वहीं ये महाकाल एक्सप्रेस 3 ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को ये ट्रेन जोड़ेगी। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जाएगा। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, तो काशी की जनता को बेसब्री से इस पल का इंतजार था। काशी की जनता को जहां आज सौगात मिलेगा, वहीं जगमबाड़ी इस मठ में जहां लाखों लाख शिवलिंग हैं, काशी जो लोग आते हैं अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, ये वही जगह है जहां पर लाखों शिवलिंग हैं। लोग अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए यहां शिवलिंग स्थापित करते हैं। यहां की जो ग्रंथ है, जो यहां की जानकारी है, वो देश दुनिया तक पहुंच सके, इसके लिए आज प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और यहां से एक ऐप लॉन्च करके ये जानकारी देश दुनिया तक पहुंचे और धर्म का प्रचार हो सके, इसके लिए यहां से लॉन्चिंग करते नजर आएंगे। वहीं आज काशी के लिए सौगातों का दिन है, यही वजह है कि बेसब्री से अपने सांसद का लोग इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से R9 TV राजू त्रिवाहन। तो 6 घंटे बताया जा रहा है जहां इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी रहेंगे और ये दौरा बेहद खास यहां पर वाराणसी की जनता के लिए होने वाला है, क्योंकि कई सौगातें, तकरीबन 1200 करोड़ की सौगातें आज जो प्रधानमंत्री मोदी यहां की जनता को देने वाले हैं। तो तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, कोई चूक यहां पर हो ना पाए इसको लेकर यहां पर खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। तो ये दौरा बेहद अहम, साल की शुरुआत में ये पहला दौरा है आपको बता दें वाराणसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चौका घाट लहरतारा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 1200 करोड़ की सौगात आज काशीवासियों को यहां पर दी जाएगी। तो काशी महाकाल एक्सप्रेस जिसको हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ता है, वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को। वहीं चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर का भी लोकार्पण यहां पर किया जाएगा।
तो हलचल यहां तेज हो गई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। और 10 बजे कहा जा रहा है कि वाराणसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। यहां पर कई परियोजनाओं की सौगात जहां काशीवासियों को देंगे, तो जनता को संबोधित भी इस दौरान यहां किया जाएगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक बड़ी सी प्रतिमा, जिसका अनावरण भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं।